तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे डिनर की रेसिपी, जो कि काफ़ी हल्की सी है क्योंकि हमने लंच में छोले भटूरे खा लिए थे और छोले भटूरे काफ़ी टाइम बाद बने थे, तो सोचा कि मतलब बहुत अच्छे से खाए, तो फिर भूख नहीं थी ज़्यादा, तो फिर इसलिए सोचा कि चलिए टमाटर का सूप और एक पनीर टोस्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 6 टमाटर लिए, एक छोटा सा टुकड़ा लिया बीट रूट का, और एक कैरेट ली, और एक अनियन, और 3 से 4 कलियाँ मतलब 5 कलियाँ जो है वो आपको गार्लिक की ले लेनी है। अगर आप अनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप रेस्टोरेंट में जो टमेटो सूप ऑर्डर करते हैं तो उसमें अनियन और गार्लिक जो रहता है वो डालते ही हैं। तो आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है बनाएंगे टोमेटो सूप। तो उसके लिए सबसे पहले हम रखेंगे कुकर, तो साइड से मैं जो है हमेशा गैस बंद कर देती हूँ ताकि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो कुकर ले लिया, उसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जितना। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना बटर, बटर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सूप जितना हेल्दी रहेगा कम ऑयल घी का यूज़ करके बनाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गार्लिक और जिंजर जो हमने कट करके रखा था। गार्लिक और जिंजर को बहुत अच्छे से पहले इसको मतलब कुक कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जला जाए। उसके बाद एक तेज़पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, फिर अनियन हमने जो कट करके रखे थे वो डालेंगे, और अनियन को 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, कलर चेंज हो जाए। उसके बाद जो वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटर, गाजर और बीटरूट हमने कट करके रखा था वो डाल देंगे। बीटरूट बेसिकली इसलिए डाला जाता है ताकि कलर अच्छा आता है और एक बीटरूट का टेस्ट भी अच्छा होता है। तो बीटरूट जो है बिल्कुल कम क्वांटिटी लेना है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो भी चलेगा। 3/4 ग्लास जितना पानी डाल देना है, और साथ साथ में हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। बाकी इसमें कोई भी स्पाइसेस अभी हम नहीं डालेंगे, और ढक्कन लगा के स्लो गैस पे हमें इसे 3 से 4 व्हिसल आने तक कुक कर लेना है। तो जब तक टमेटो सूप जो है रेडी हो रहा है, हम जो है ब्रेड के क्रूटॉन्स भी बना लेते हैं जो कि रेस्टोरेंट में भी सर्व किए जाते हैं सूप के साथ। तो मैंने यहाँ पे ना व्हीट फ्लावर ब्रेड यूज़ किए, आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है सीजर से मैं कट कर रही हूँ, और उसके बाद जो है हमें इसे तवे पे मतलब नॉनस्टिक तवे पे या फिर आयन के तवे पे आपको इसे सेक लेना है। बेसिकली जो क्रूटॉन्स होते हैं उसे डीप फ्राई किया जाता है ऑयल में, बट अगेन आज थोड़ा सुबह हैवी हो गया था तो सोचा कि आज सब कुछ हेल्दी हेल्दी खाएंगे अभी डिनर में, और बिल्कुल लाइट डिनर करेंगे, तो इसीलिए मैं इसे जो है तवे पे सेक रही हूँ। और सेकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने चाहिए। ज़रूरत के अनुसार आप इसमें जो है घी या फिर बटर डाल सकते हैं, बट जितना बटर घी कम रखे उतना ही अच्छा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं, उसे एक अलग प्लेट में निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पे जो सूप है वो भी रेडी हो गया है, तो चलिए ढक्कन खोल लेते हैं। और ये अभी काफ़ी गर्म है, टमाटर जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जो हमने तेज़पत्ता और दालचीनी का स्टिक डाल के रखा था वो मैं निकाल लेती हूँ, मैं उसे नहीं पीसती हूँ। मुझे उसकी जो हल्की सी खुशबू रहती है बस वही चाहिए सूप में, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है अगर आप दालचीनी और उसको पीस लोगे तो, मतलब तेज़पत्ता को, क्योंकि हमने पानी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा डाला था और मेरा जो मिक्सर जार है वो इतना बड़ा नहीं है, तो दैट्स वाई जो एक्स्ट्रा पानी है पहले मैं वो निकाल देती हूँ, उसके बाद ये टमाटर और जो बीट रूट है उसको मिक्सर में पीस लेंगे। ये भी काफ़ी गर्म है, थोड़ी देर बाद पीसूँगी। गर्म गर्म कभी भी आप नहीं पीसे, नहीं तो मिक्सर का ढक्कन जो है खुल जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो इसका टमाटर का पेस्ट है वो बन के रेडी है, और इसे स्ट्रेन करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे सूप को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सूप का जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ रहे, और बिल्कुल बीज नहीं आने चाहिए टमाटर के, क्योंकि हमने चाहे इसे बॉईल किया है पीसा है लेकिन टमाटर के जो बीज है वो रहते ही हैं। अब यहाँ पर अभी भी मुझे ये जो सूप है वो गाढ़ा लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, कैमरे में थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कलर लाल है लेकिन दिख रहा ऑरेंज है, तो सॉरी फॉर दैट। बट अभी हम इसे कुक करेंगे जब कलर आ जाएगा। 1/2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें शुगर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, मैं ब्लैक पेपर पाउडर को पीस के फ्रिज में रख देती हूँ, ये छोटी सी बॉटल, और इसकी जो स्मेल रहती है सुगंध वो वैसी की वैसी रहती है, लार्ज क्वान्टिटी में पीस के नहीं रखना है। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कैचअप, कैचअप से इसका जो टेस्ट होगा ना बहुत अच्छा आता है। और 1/4 कप जितना मैंने वापस इसमें पानी डाल दिया है इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए,
तो बस अब 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि जो शुगर हमने डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो ब्लैक पेपर हमने डाला है उसकी खुशबू जो है सूप में आ जाए। बाकी और कोई स्पाइसेस इसमें नहीं डलते, कोई भी तरह का काश्मीरी मिर्च या फिर रेड चिल्ली पाउडर कुछ भी नहीं डालना है। तो 2 मिनट बाद जब मैंने सूप को टेस्ट किया, बहुत अच्छा मतलब रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे फटाफट से सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सूप ठंडी में अगर पीने को मिल जाए तो और क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है यहाँ पर अभी। तो बस फिर डालेंगे हम इसके ऊपर से क्रूटॉन्स, और साइड में मैंने ना पनीर का स्टफिंग भी रेडी कर लिया है क्योंकि हम बनाएंगे पनीर टोस्ट। तो उसका मतलब मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है पनीर का मसाला बनाते हुए, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, पनीर, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, अनियन डाला है। तो यहाँ पे एक बोल सूप कंप्लीट करने के बाद संजय फिर से आ गए हैं अपना सूप लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इटालियन सीजनिंग भी डाली थी जिसमें ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़े से चिली फ्लेक्स, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। तो बस इसको बटर लगा के दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी लगता है। तो बस आज का हमारा जो डिनर है वो काफ़ी सिंपल है, और जिस दिन मैं सूप बनाती हूँ तो थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि 2 कप जितना हम ऑलमोस्ट मतलब सूप पी लेते हैं, और उसके साथ मैं कभी भी सैंडविचेस या फिर कोई साइड में ढोकला या फिर ऐसे कुछ बना लेती हूँ।